हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। आज मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं, क्योंकि कल संडे था और कल मैंने जो वीडियो अपलोड की है उसमें पांचवा हफ्ता कवर हो चुका था और एक ही दिन के अंदर इतना गजब का इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, मैंने भी नहीं सोचा था। और अभी जब मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने इसका जब केज खोला है तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इसके बच्चों की मूवमेंट अब बाहर से नज़र आ रही है। बिना टच किए मैं अब ये देख सकता हूँ कि बच्चों की रोटेशन क्या है, उनकी मूवमेंट क्या है। तो अगर जैसा कि हम यहाँ पे थोड़ा सा शांत रहें तो हम इसके पेट में यहाँ लेफ़्ट साइड की ओर देख सकते हैं, ये इस साइड की ओर हमें हल्की सी रोटेशन नज़र आएगी। और शायद कैमरा में ये नज़र ना आए लेकिन मैं यहाँ से इसको देख पा रहा हूँ। तो आज से खैर छठा हफ्ता शुरू है इसका और अब धीरे धीरे इसकी ग्रोथ देखेंगे कैसा क्या चल रहा है। और मैं इसको एक बार बाहर निकाल के आपको लाइट में फिर प्रॉपर दिखाता हूँ कि इसकी रोटेशन आपको दिखेगी कि नहीं दिखेगी। वैसे तो यहाँ से अगर हम देखें तो पूरा ऐसे ही नज़र आ जा रहा है कि बच्चे कैसे हैं और रोटेशन। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो उभार है ये बच्चों का ही है। और इस साइड भी देख सकते हैं, आप छूने बिल्कुल नहीं दे रही है। और ये देखिए, इसका साइज़ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे ही गिनी पिग्स में होता है, जब वो जैसे जैसे हफ्ता पार करते हैं उनका साइज़ बढ़ता जाता है। और आज छठा हफ्ता शुरू है तो देखेंगे इस वीक के एंड तक हमें और क्या देखने को मिलेगा। और लेकिन गिनी पिग्स में जब वो बच्चे देने वाली होती हैं तो लगभग 10 से 11 हफ्ते लगते हैं। तो अगर आज छठा हफ्ता शुरू है तो ज़रूरी नहीं है कि 4 हफ्ते बाद ये दे दें, क्या पता एक हफ्ता और ले। और ये तब होता है जब गिनी पिग्स में बच्चों की क्वांटिटी होती है, मतलब जितना भी लीटर साइज होता है उसमें सारे मेल होते हैं। तो अब इसके पीछे क्या रीज़न है क्या नहीं है ये बिल्कुल एक साइंटिफिक मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो मैंने आजमाया हुआ है अब तक, जितनी बार मैंने गिनी पिग्स ब्रीड करवाए हैं और उन्होंने बच्चे दिए हैं तो जब जब 11 हफ्ते पूरे लगे हैं तो उसमें मेल ज़्यादा हुए हैं, फीमेल एक दो हुई हैं। और मैं माफ़ी चाहूँगा, बाहर से गाड़ी मोटर की आवाज़ आप लोगों को परेशान कर रही होगी। तो जब भी फीमेल्स बच्चे देती हैं अगर वो 11वां हफ्ता पूरा होता है तो उसमें मेल्स की संख्या ज़्यादा होती है, या तो मेल ही मेल होते हैं और फीमेल बहुत कम होती है। और ये डिपेंड करता है हमारे जो इन्वायरमेंट होता है उस पर, इनके बॉडी टेम्परेचर पे, ब्रीड जिस मेल से हुई है उसके हीट से, और सब कुछ डिपेंड करता है। तब जाके जो इनका लीटर साइज होता है वो बनता है जिसमें मेल या फिर फीमेल होते हैं, और उनकी काउंटिंग भी उसी पर डिपेंड करती है। तो चलिए एक बार मैं इसको आपको लाइट में रख के दिखाता हूँ कि कैसा अब इसका बॉडी शेप है। मुझे ज़रा वीडियो रोकनी पड़ेगी फिर दिखाता हूँ मैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे निकाल दिया है ब्राउनी को बाहर और अब आप लोग देख सकते हैं इसका पेट कितना लटका हुआ है। और यहाँ से हल्की हल्की रोटेशन अभी उतनी नज़र नहीं आएगी क्योंकि ये 6th वीक है, छठा हफ्ता है, और उतनी ज़्यादा रोटेशन और मूवमेंट अभी नज़र नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही ये 7वें हफ्ते में पहुँचेगी तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आप लोगों को दिखाया होगा, इसकी किक साफ साफ नज़र आ जाती थी और बिल्कुल वैसे ही। और अब इसके पेट का साइज़ देखिए, ये देखिए यहाँ से, और एक बार यहाँ से देखिए, अब ये बिल्कुल मटका हो चुकी है। थोड़ा सा इसके जो फर है वो इस साइड से यहाँ गालों की ओर से उभरे हुए हैं क्योंकि ठंड का थोड़ा सा टाइम है, तो इसीलिए उतना ज़्यादा गोल मटोल ये नज़र नहीं आ रही है। लेकिन ये देखिए, मैं हल्का सा छाँव करता हूँ लाइट में तब इसका पेट का आप लोग आकार देख सकते हैं। और ये जो नीचे की ओर लटका हुआ है यही बता देता है कि इसके लीटर साइज़ कितना है, कितने बच्चे होंगे। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये पिछले बार की तरह ही 3 ही बच्चे देगी, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं देगी। और पहली बार होता है, कई बार गिनी पिग्स का लीटर साइज़ पहले वाले जितना ही रहता है, यानी कि जब वो बच्चे देते हैं तो पहले अगर उन्होंने 3 बच्चे, 4 बच्चे, 2 बच्चे या फिर 6 बच्चे दिए हैं तो अगली बार भी लीटर साइज़ उतना ही जाता है। और अगर दूसरी बार 4 बच्चे दे देती है, जैसे कि ये 3 बच्चे दी थी, और अगर इस बार ये 4 बच्चे देगी या फिर 5 बच्चे देगी तो इसका लीटर साइज़, इसका मतलब है बढ़ गया है। और फिर उसके बाद ये जब भी बच्चे देगी तो कम से कम ये 4 ही देगी, उससे कम नहीं देगी। और दूसरी चीज़, अगर इसने 3 बच्चे दिए थे हमें और फिर ये 2 बच्चे देती है तो ज़रूरी नहीं है कि इसका लीटर साइज़ घट जाएगा, ये अगली बार जब ब्रीड करेगी तो दोबारा से 3 दे सकती है। तो यही गिनी पिग्स में होता है और ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जितने भी सिलेक्टिव ब्रीडर्स होते हैं, जितने भी फार्म में ब्रीडिंग करवाते हैं गिनी पिग्स को, वो इसी तरीके से गिनी पिग को छांट लेते हैं और फिर उसके बाद उनके लीटर साइज़ के हिसाब से उनकी ब्रीड करवाते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी मिले और फिर उसके बाद
पैसा ही पैसा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। सिक्स्थ वीक स्टार्ट है और रोटेशन अब दिख रही है, मूवमेंट दिख रही है। तो अब सिक्स्थ वीक के एंड में यानी कि सैटरडे संडे तक हम ये देखेंगे कि कैसा माहौल है, क्या हालचाल है ब्राउनी के, और फिर उसके बाद तब का अपडेट तब लेंगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।